ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि जहां एक ओर पूरे विश्व में कोरोना वायरस की बीमारी का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं ललितपुर में जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग द्वारा ललितपुर की जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में ललितपुर के राजघाट स्थित यूपीएमपी सीमा पर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं मौके पर स्वास्थ्य महकमा तैनात नहीं होने की वजह से सीमा की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर यूपीएमपी सीमाओं के जुड़े होने पर दोनों ही ओर से लगातार पैदल लोगों का आना जाना लगातार जारी है। आखिर क्या है कहना यहां से निकलने वालों का, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की रिपोर्ट में। कहां से आए हो? कहाँ जा रहे हैं? चंदेरी जी 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 चलो तुम चंदेरी में जाँच करवा दे तुम्हारी। कहाँ से आए? हम झांसी से। झांसी कहाँ जा रहे हैं? झांसी में क्या है आपका काम? काम करने गए थे, अभी तो गए थे होली बाद 11 तारीख।